हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विजय इलेक्ट्रॉनिक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आज आपके लिए एक वीडियो कॉन का सेट लेके आया हूँ, जो कि आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हार्ड है डबल इमेज का, जो मैं आपको दिखाता हूँ चला के। स्टैंड बाई ऑन कर दूं। जो कि दोस्तों ये देखिए डबल इमेज का फाल्ट, ये देखिए दोस्तों, क्लॉक सिग्नल का फाल्ट है दोस्तों। इसका इमेज नो सिग्नल देखिएगा दोस्तों कैसे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको फॉल्ट का तो पता लग ही गया होगा। तो क्लॉक सिग्नल का फॉल्ट होता है दोस्तों। पहले भी मैं एक सोनी का सेट किया था, उसमें भी ये वीडियो में डाला था, जो कि ये इसका पूरा सेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये पीछे का बैक कवर खोल लीजिए वीडियो कॉन का सेट में, और ये पैनल है, मैं आपको दिखा दूँ, मोबाइल में ठीक से दिखाई नहीं देगा। AUO का पैनल है, और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये कैसे ठीक होगा। तो चलो इसका फॉल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से 2 0 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। ये देख सकते हैं, ये 0 ओम की रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, निकाल दिया है। और ये होता है सिग्नल वाली आईसी, ठीक है ना, क्लॉक सिग्नल वाली। तो ये लेफ्ट के लिए राइट के लिए एक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ना धीरे धीरे करके एक एक 0 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के चेक कर ले, वैसे आपको पता लग जाएगा दोस्तों कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो मैंने इसका दो रेजिस्टेंस तो निकाल दिया दोस्तों। अब इसको चला के देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट है दोस्तों। अगर इधर से नहीं सही हुआ तो फिर इधर का निकाल के चेक करना पड़ेगा, ये क्लॉक सिग्नल के लिए है। या तो यहाँ पे आप ब्लेड से कट लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कट लगाने से अच्छा है रेजिस्टेंस आप निकाल के चेक कर लीजिए 0 ओम का। तो इस सेट को ऑन करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है दोस्तों। ठीक है, ये मोबाइल यहाँ पे रख देते हैं, और इसका तार लगा दिया मैंने, और ऑडियो वीडियो का भी सिग्नल दे देते हैं पूरी तरह से। पहले से लगा लिया था तार इसके, और ये रहा रिमोट। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्टैंड सही करने के लिए पॉज किया था वीडियो, सॉरी। तो देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, और नो सिग्नल में भी हम दिखा देते हैं। देखिए जो सिग्नल पॉइंट जो रुक रही थी, नो सिग्नल पॉइंट, ये आपको सामने से मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, तो ठीक से ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही से चल रही है दोस्तों। ठीक है ना, क्लॉक सिग्नल निकल गई फॉल्ट इससे। अगर नहीं सही होती तो हम दूसरी तरफ का 0 ओम का रेजिस्टेंस उठाते तो दोस्तों ये फॉल्ट ओके हो जाता, तो हमारा एक तरफ से ही काम चल गया दोस्तों। तो आप भी ऐसे फॉल्ट ढूंढ सकते हैं दोस्तों, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए दोस्तों। और
कोई ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।